नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को कैसे करना है, हमें शिव को कैसे रिझाना। बरसते हुए पानी में, कीचड़ में, बारिश में आप लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हो, पंडालों में जगह नहीं है। और पहले दिन की कथा है, छाता लगा लगा कर आप लोग बैठे हुए, पर इतना अपने अंदर बिठा कर रखना एक बात को कि हम इतने दूर से आए हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ऑटो में, डीजल में खर्च कर कर शिव महापुराण की कथा में भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर पहुँचे हैं। एक बात अपने अंदर उतार के रखना कि हम जब इतना खर्चा कर कर यहाँ पहुँचे हैं तो शिव जी को हम कैसे रिझा सकते। हम भगवान शंकर को कैसे मना सकते। हम ओघड़दानी भगवान शंकर को किस तरह से अपना बना सकते हैं, वो प्रयास किया जाए। हम भगवान देवदत्त महादेव को कैसे अपना बना सकते हैं, उसका प्रयास किया जाए। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में से एक क्षण की भी कथा यदि हमारी जिंदगी में उतर गई, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हमारे जीवन में उतर गई, तो ये निश्चित है कि अगला सावन आएगा तब तक मेरा भोलेनाथ आपको भी इतना बल प्रदान कर देगा कि आप भी शिव महापुराण के कथा के यजमान बन सकते। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, कहीं शिव भी आप पर इतनी करुणा कर। बहुत विश्वास लेकर कथा को सुनो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा सुनो, और जितने भरोसे और विश्वास के साथ में कथा सुनोगे उतना भगवान शिव कृपा करें। पहले का जमाना दूसरा था, आज का जमाना दूसरा है। पहले बहुत यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे, प्रकट होते थे। आज के समय में बहुत यज्ञ करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में तो केवल भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और बम बम भोले बोल दो, मेरा देव अदिदेव महादेव तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। इतना सरल है। वो समय गया। पहले का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले जितने काम होते थे वो ऑफिस में किताबों पर, कॉपियों पर, रजिस्टर में लिख कर होते थे। पहले के जितने कार्य होते थे वो सब रजिस्टर पर लिख कर होते थे, कॉपी किताब में लिख कर होते थे। अब धीरे 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 वो काम कम होता चले गया और लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर वो सारा काम, वो सारा डाटा उस पर आ गया। अब कॉपियों का काम कम हो गया, अब लिखा पढ़ी का काम कम हो गया, और कंप्यूटर का, लैपटॉप का जमाना आ गया। लैपटॉप पर लोग लिखने लगे, कंप्यूटर पर लोग नोट करने लगे और उसको पूरा की पूरा डाटा उतारने लगे। पहले जो काम 2 महीने में होता था अब वो काम केवल 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में हो जाता। अब जरा विचार करो, पहले का समय था कि डायरी लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था किताब लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था रजिस्टर लेकर चलना पड़ता था। अब तो लैपटॉप लेकर चलते हैं, पूरा डाटा एक क्लिक करते ही सामने आ जाता है। तो पहले निर्णय लेने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लग जाता था,
आजकल एक क्लिक करो और मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति का स्वरूप क्या है, कहाँ से आया है, कौन है, कैसा। एक क्लिक। पहले निर्णय लेने में 2-3 महीने लगते थे, आज निर्णय लेने में 2-3 महीने नहीं लगते। केवल लैपटॉप उठाया, चेक करा और क्लिक करा। अब पहले का समय इतना लगता था, आज के समय में समय नहीं लगता, तुरंत काम हो जाता है। उसी तरह सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान का जो यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, साधना करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, हजारों वर्ष तक लोग मौन होकर बैठे रहते थे, हजारों वर्ष तक शरीर पर राख मिट्टी जम जाती थी, बॉबी बन जाती थी शरीर की, इतना तप, इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान करते थे, तब भगवान प्राप्त होता था। पर जैसे आज के जमाने में लैपटॉप एक क्लिक करो और तुम्हारा डाटा सामने आ जाता है, तुमने क्या करा तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है, उसी तरह आज के समय में कलिकाल में एक लोटा जल महादेव को चढ़ा दो, सारा डाटा तुम्हारे सामने भगवान शिव की कृपा के रूप में आ जाता है। केवल एक लोटा जल। और अभी सावन में कितना जम के बोलो जरा, 2 लोटा। पूरे वर्ष 1 लोटा और सावन महीना 2 लोटा जल, क्योंकि चतुर्मास में सावन के महीने में हमारी भक्ति दुगनी होना चाहिए, हमारा भजन दुगना होना चाहिए, हमारा कीर्तन दुगना होना चाहिए, हमारा मंत्र जाप दुगना होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा टोर हत्तो छड़ीना मिकटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छंडी ना मैं कटी जावांगी। अपनी भक्ति को दुगना करिए, अपने विश्वास को दुगना करिए,